कोलकाता नाइट राइडर्स की शर्मनाक हार के बाद भड़के गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ा ही सनसनीखेज बयान दिया है। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर गौतम गंभीर ने जो बयान दिया है उसे सुनने के बाद सच में आपके होश उड़ने वाले हैं। तो आखिरकार कोलकाता नाइट राइडर्स की हार का ठिकरा गौतम गंभीर ने महेंद्र सिंह धोनी के सिर क्यों फोड़ा, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साल 2024 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा है और ऐसा लगता है कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर गौतम गंभीर इसके लिए तैयार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, हार भी मिली है उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स से। महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की राइवलरी सबको पता है। जाहिर सी बात है, गंभीर सीएसके के खिलाफ तो हारना नहीं चाहेंगे, लेकिन अफसोस उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रविंद्र जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को महज 137 रन पर ही रोक दिया था और इस छोटे से लक्ष्य को बड़े ही आसानी से हासिल कर लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, जहां पर उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। धोनी के बिछाए जाल में कोलकाता नाइट राइडर्स के सभी बल्लेबाज फंसते चले गए, चाहे वो रिंकू सिंह हो, आंद्रे रसेल हो या फिर सुनील नारायण ही क्यों न हो। कोलकाता का एक भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाया और यही सबसे बड़ा कारण है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को एक शर्मनाक शिकस्त झेलने को मिली। पर इस हार के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा, अफकोर्स मुकाबला हारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लड़कर हारो तो अच्छा लगता है। हम इस मुकाबले में कहीं खड़े भी नहीं हुए और यही सबसे बुरी बात लगी। ऐसा लग रहा था हमारे बल्लेबाज खेलना भूल गए हैं, उन्हें रणनीति के हिसाब से काम करना चाहिए था, खेलना चाहिए था, पर उन्होंने वैसा नहीं किया। अगर हमारी टीम हारी है तो उसमें धोनी का योगदान है, उन्हें पता था कि हमारी टीम को कैसे रोकना है। खैर, हम जब अगली बार मिलेंगे तब हम चेन्नई सुपर किंग्स को जरूर हराएंगे। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए आपके साथ बुरा होना भी जरूरी है और हम इसे याद रखेंगे। अगर इस मुकाबले को छोड़ दे तो हमारी टीम शानदार है और अब तक हमने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर ने बड़ी बात कही है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जो उन्होंने चौंकाने वाली बात कही है वो सच में हैरान करने वाला है। हालांकि गौतम गंभीर इस हार से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आए हैं, उन्होंने ये वादा किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स को अगले मुकाबले में वो जरूर हराएंगे। अब तो ये राइवलरी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, देखना होगा कि कोलकाता अगले मुकाबले में वापसी कर पाती है या नहीं। वैसे आपके हिसाब से इस बार प्ले ऑफ में कौन सी चार टीमें पहुंचने वाली हैं, आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।